सत्य संसार में क्या है? सबसे पहले सत्य की परिभाषा जानिए। सत्य उसको कहते हैं त्रिकाल बाधित्वम सत्यम, जो त्रिकाल में रहता हो, जो था, जो है, जो रहेगा। अब इस परिभाषा से अगर देखा जाए और पूछा जाए क्या हमारा ये जो मानव शरीर है क्या ये सत्य है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, सत्य नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था। जन्म के बाद कुछ दिनों तक गाड़ी चल रही है और कब कब चला जाए श्वास कोई पता नहीं। इस दुनिया में आदमी सब कुछ बता सकता है, लेकिन वही मृत्यु कब होने वाली है ये कोई नहीं बता सकता। और अचंभा तो देखिए, आप संसार में एक घड़ी भी खरीदते हैं ना, तो उसके साथ भी एक वारंटी कार्ड आता है कि एक साल की वारंटी है, दो साल की वारंटी। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे, आप फ्रिज खरीदे, एसी खरीदे, कैमरा खरीदे, सबके साथ एक वारंटी कार्ड आता है कि इतने दिन तो चलेगा और बीच में कुछ गड़बड़ हो तो हमारे पास लेना, हम ठीक कर देंगे। लेकिन ये अकेला शरीर ऐसा है जिसकी साल छोड़िए एक सेकंड तक की वारंटी नहीं, कब एक्सपायर हो जाए नहीं पता। एक्सपायरी डेट ना तो आज तक कोई बता पाया है और ना कभी बता पाए। अच्छे भले सुबह से शाम तक कहते हैं ना, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, अरे भैया कुछ पता ही नहीं था, कल तक तो एकदम ठीक थे, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बस केले के छिलके से पांव गया और फिसले। और राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य। तो शरीर तो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो कोई भरोसा नहीं, अंततः मिटना ही मिटना है। शरीर सत्य नहीं, चलिए मान लिया। जिस नगर में आप रहते हैं, सुजानगढ़, क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है, हाँ या नहीं? कुछ खा पी के आए घर से कि नहीं? आज वॉल्यूम एकदम दबी हुई है। सुजानगढ़ सत्य है या नहीं है? हाँ, कितना मानते हैं? कौन कौन मानता है कि सत्य है? और ना कितना मानते हैं? कौन कौन? अरे वाह, बीच वाले बैठे हैं यहां तो, ना हाँ वाले हैं ना वाले। गलत भी बता दोगे तो नंबर नहीं कटने वाले हैं। केवल इस नगर की नहीं, कोई भी नगर हो इस दुनिया का, वो सत्य नहीं हो सकता। आप इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, परंपराएं जो नष्ट हो गई, कहां गए, कहां मिले? पानी में, जमीन में, आसमान में, कुछ नहीं पता। कोई नगर, कोई शहर सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले नहीं था, आज है और आगे नहीं रहेगा। केवल शहर नहीं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है, क्योंकि पहले नहीं थी, आज है और महाप्रलय के बाद इसका भी नाश निश्चित। शरीर सत्य नहीं है, शहर सत्य नहीं है, देश सत्य नहीं है, पृथ्वी सत्य नहीं है, आकाश पाताल सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या? केवल और केवल भगवान, और भगवान का नाम जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी हमेशा रहने वाला है,